धीरज साहू बिजनेसमैन है और अडानी अंबानी चोर, क्या गजब लॉजिक है विपक्षी चमचों के पास। कांग्रेस से भी पूछ ले धीरज साहू की कौन सी खूबी देखकर 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया। राहुल, सोनिया और खरगे बताए 350 करोड़ नकद किसके हैं, कैसे जमा किए, बैंक में न रखकर घर में क्यों रखे। कांग्रेस ने धीरज साहू के 400 करोड़ के मामले को दबाने के लिए संसद में अपने आंदोलन जीवियों से आक्रमण करवाया है। अब टीवी पर चर्चा कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर न होकर संसद पर आक्रमण पर चर्चा हो रही है, यह काम कांग्रेस का है। वहीं कांग्रेस नेता धीरज साहू के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और यही कारण है कि अधिसंख्या नेता उनसे दूरी बरत रहे हैं। उन नेताओं ने तो चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए बार बार साहू ने आर्थिक मदद दी है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो साहू न सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवारों को बल्कि दूसरे दलों के नेताओं की भी आर्थिक तौर पर मदद करते रहे हैं। कई लोग बताते हैं कि वे एक व्यवसायी होने के नाते सभी की मदद करते रहते हैं। उनकी मदद से चुनाव लड़ने वाले लोगों में कई अभी अहम पदों पर है। बताते चले कि साहू ने कई बार पार्टी लाइन से अलग होकर विपक्षी दलों का सहयोग भी किया है। झारखंड में पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, भले ही नैतिक तौर पर साहू का साथ दे रहे हो, खुलकर बोलने वाले लोग सामने नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले में संभलकर बयान देने का निर्देश दिया है। लोहरदगा में मूल रूप से रहने वाले कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने विभिन्न चुनावों में गुमला, सिमडेगा, रांची, रामगढ़ और खूंटी के उम्मीदवारों तक की मदद की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो साहू से मदद लेने वाले लोगों में विधायक प्रत्याशी से लेकर निकाय चुनावों के प्रत्याशी तक रहे हैं। वहीं इनकम टैक्स की जांच लोहरदगा में एक बार फिर शुरू हो गई है। इनकम टैक्स की टीम जीओ सर्विलांस सिस्टम के साथ बुधवार को लोहरदगा पहुंची। लोहरदगा के थाना टोली स्थित राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के आवास में आईटी की टीम पहुंचकर जियो सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। आईटी के अधिकारी 3 वाहनों में लोहरदगा पहुंचे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों के लोहरदगा पहुंचने के साथ ही राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के आवास के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा में तैनात हो गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जैसे ही लोगों को पता चला कि इनकम टैक्स की टीम फिर से जांच के लिए पहुंची है, वैसे ही राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर के बाहर भीड़ जमा होना शुरू हो गई है। हालांकि पूरे मामले में कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू से जुड़े हुए ओडिशा के उनके व्यवसायिक ठिकाने से विगत दिनों 351 करोड़ रुपए बरामदगी के साथ आईटी की टीम ने राज्यसभा सदस्य के रांची रेडियम रोड स्थित उनके आवास में मंगलवार को जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच की थी, जिसमें जमीन के अंदर सोने चांदी के जेवरात और दूसरी कीमती चीजें छुपाकर रखने की जांच की गई थी। इसके बाद आईटी की टीम बुधवार को लोहरदगा पहुंच गई। लोहरदगा में भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की बरामदगी की जानकारी नहीं मिली है। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद फिर से लोहरदगा में हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर। जय हिंद, जय भारत।